24/7 लाइव टीवी से मैं हूं प्रतीक्षा और मातु। आइए नजर डालते हैं जिले से जुड़ी कुछ खास खबरों पर। जनपद शाहजहांपुर के तहसील कलान में सामाजिक समरसता समिति की बैठक में प्रायोजक वेदवीर निर्वेद जी ने लोगों को बताया कि समाज में कुरीतियां फैला रहे लोगों को जागरूक करना है, जैसे दहेज प्रथा की मांग, तेरहवीं भोज आदि जन समस्याओं को लेकर लोगों को जागरूक करना। हम जैसे लोग कोई बात अधिकारी के सामने नहीं रख पाते, अब हमारा पालन नहीं करते। हमें अपने घर पर अनुभव होना चाहिए और स्वयं अधिकारी के सामने अपनी बात रखने की क्षमता होनी चाहिए। समाज में कार्य करवाने की कोशिश करें, लोगों को सामाजिक समरसता समिति का साथ देना होगा। हम लोग एक साथ के परस्पर सहयोग देने में लोगों की मदद करेंगे। वहीं विपिन निरहरी, यादराम सिंह, सोहेल खान, दिलीप यादव, विपिन सिंह प्रधान, सत्येंद्र सिंह, आर्य सुल्तान सिंह, अरुण वैद्य चौधरी, विनोद यादव, डॉक्टर मनोज मिश्रा मुख्य अतिथि, माननीय धीरेंद्र प्रसाद पूर्व विधायक पुबाया आदि मौजूद रहे। इंडिया 24/7 लाइव टीवी के लिए रवि यादव की रिपोर्ट। आप लोगों का भी करते हैं कि आप लोगों ने यहाँ आके हमारे लिए बहुत अमूल्य समय दिया है। जो हमारी यहाँ मीटिंग चल रही है सभ्यता समिति के ऊपर, यहाँ आएंगे तो कुछ ना कुछ सीखेंगे। जो हमारे बड़े भाई यहाँ बैठे हैं, बड़ी बड़ी मीटिंगों में उन्होंने भाग लिया है। हम तो एक तुच्छ व्यक्ति हैं, छोटा, आज मैं भाग ले रहा हूँ, एक दो बार और जुड़ा हूँ। अब जैसे दहेज की बात है, अब दहेज बंद तो सब करना चाहते हैं, लेकिन कब चाहते हैं हमें मिल जाए उसके बाद बंद हो जाए। दहेज जो है हमें पहले मिल जाए उसके बाद दहेज बंद हो जाए। अब बताओ मतलब तब कैसे बंद हुई है? बंद तो जब ही होगा जब हम बंद करें। हम कह दें कि भाई दहेज हम नहीं लेंगे, तब अपने से शुरुआत करो। है रही बात तेरहवीं की, अब जैसे तेरहवीं भोजन में कहते खाने मत जाओ। सर शुभ नाम क्या है आपका? निर्वेदी। सर ये जो है आज आपने मीटिंग रखी गई हुई है, इसका मेन उद्देश्य क्या है? इसका मेन उद्देश्य है कि समाज में जो हमारे ऊंच नीच की भावना फैली हुई है, कुरीतियां जो फैली हुई है, उनके निस्तारण के लिए हम लोग योजना बना रहे हैं। गांव-गांव जाकर इस समिति के द्वारा हम लोगों को समझाएंगे, जागरूकता लाएंगे, स्वच्छता अभियान भी चलाएंगे जिससे बीमारियां दूर हो सके। सर जो आपने ये नींव रखी हुई है एक समिति की, इसका उद्देश्य जो है मेन चीज है सबको साथ लेके चलना है या कैसे क्या करेंगे? सबको साथ लेके चलना, समरसता का मतलब है यही है कि ऊंच नीच की भावना, जात बिरादरी की और कोई धार्मिक अंधविश्वास या इनसे किसी से संबंध नहीं है। इंसान केवल इंसान है, वो निकल के बाहर आए और इंसानियत के लिए काम करे, इसके लिए हम लोगों ने ये समिति बनाई है और यही हमारे उद्देश्य है समिति। विपिन निरहरी जी, आप ये जो है आज की मीटिंग में आप क्या कहना चाहते हैं? मैं कहता हूँ कि जो है मतलब सब एक समान जो है हूँ, जैसे कि अभी हम लोग स्कूल में पढ़ते हैं तो मतलब जो है सब साथ साथ पढ़ते हैं, भाईचारे जैसे संबंध होते हैं, जैसे स्कूल से कॉलेज से बाहर निकले फिर हम अलग अलग हो गए, ये क्या मतलब है? हमारा मतलब है सब एक समान, सर्व शिक्षा सर्व अभियान। होली में सुरक्षा की दृष्टि के मद्देनजर सिवनी घासन व कोतवाली तिकोनिया में एक बैठक की गई। पुलिस अधीक्षक खीरी के आदेश पर अनुपालन में अपर पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में कोतवाली तिकोनिया में पीस कमेटी की बैठक रखी गई। त्योहारों के बीसी के क्रम में होली में सुरक्षा की दृष्टि के मद्देनजर सीओ निघासन व कोतवाली तिकोनिया में एक बैठक का आयोजन किया गया और बताया जा रहा है कि होली का त्यौहार बहुत ही भाईचारे के साथ मनाया जाना चाहिए। इसके अलावा होली में आने वाली समस्याएं व उससे निपटने के बारे में भी विचार कर और आपसी प्रेम भाव के साथ होली खेलने के लिए कहा। इस बैठक में सीओ निघासन प्रदीप कुमार वर्मा व कोतवाली हनुमान प्रसाद व तेजतर्रार दरोगा नासिर कुरैशी व समस्त स्टाफ मौजूद रहा। इसके अलावा क्षेत्र के सभी प्रधान व सम्मानित लोग उपस्थित रहे। इंडिया 24/7 लाइव टीवी के लिए अजय वर्मा की रिपोर्ट। में ऐसा अभी तक कुछ कोई ऐसी जगह नहीं है कि जहाँ है अभी तक न कोई ऐसी घटनाएं ही घटी हुई है और न कलर के दौरान ही जो है रंग खेलने के दौरान भी ऐसा कोई जो है सूचना यहाँ पर अभी तक हमारे थाना क्षेत्र में कहीं भी किसी भी क्षेत्र में आप लोग का अच्छा सहयोग अब तक रहा है कि ऐसा कोई समस्याएँ आई नहीं है। अगर जो आई भी है तो आप लोगों के स्तर तक ही जो है उसको निस्तारण करा दिया गया है। तो उसी उद्देश्य से आप लोगों को बुलाया गया है कि हर साल की बात जो है इस बार भी हम लोग त्यौहार को जो है अच्छी तरह से मनाएं, जिससे किसी भी तरह का जो है कोई अप्रिय घटना जो है ना होने पाए और हम लोग जो है अपना त्यौहार जो है साकुशल
मनाया जाए। जो अगर कहीं ऐसा कोई विवाद की स्थिति हो तो आप लोग जो है अवगत कराएंगे जो है कि कहाँ विवाद की संभावनाएं हैं और कहाँ क्या सुविधा की ज़रूरत है, उसके लिए हम लोग जो है लग करके जो है सारी व्यवस्थाएं जो है करके साकुशल त्यौहार को जो है संपन्न कराएंगे। तो इसे लिखा पढ़ी में तो हमारे यहाँ जो है 52 जगह होलिका दहन की जो है कि होलिका दहन का जो है कर्म 52 स्थान ऐसे जहाँ होलिका दहन का जो है कार्यक्रम होगा। तो ये कहो तो हम नाम पढ़ते हैं, अगर कोई स्थान छूट रहा हो तो आप लोग बताइएगा। जी, है ना, ये बिलराया क्षेत्र में जो है भिडौरी में 2 स्थानों पर जो है होलिका दहन की, प्रधान जी बताइएगा अगर कोई छूटेगा तो, दो जगह पे जो है पिछली बार जलाया गया था, लालापुर में 1 जगह जलाया गया था और भूलनपुर में 1 जगह और बिलराया चीनी मिल गेट के अंदर बने 1 स्थान पर और रेंजरी पुरवा में 1 स्थान पर और ये कुसाही में 1 स्थान, तकिया पुरवा में 1 स्थान, उसके बाद हरबख्श पुरवा पिछली बार जलाया गया और जो है बघैया और महाराज नगर, तो टोटल जो है 11 स्थानों पर चौकी क्षेत्र में हमारे जो है होलिका दहन का कार्यक्रम हुआ था। और जो है ये इधर जसनगर केवटली में कुहारी बाबा खेड़ सहनखेड़ा इतने जगह पे जो है और ये उसमें जमौरा गौड़ी और प्रेमनगर इतने स्थानों पे यहाँ जो है होलिका दहन का जो है कराया गया था। हमारे सुतना बरसोला में 4 स्थानों पर जो है कराया गया था, सुतना बरसोला में और कस्बा तिकोनिया में 2 स्थान पर, ये टांडा में 1 स्थान पर, बरसोला कला में 1 स्थान पर, रामनगर में 2 स्थान पर और सूरत नगर में 1 स्थान पर, रन नगर में 1 स्थान, सिसवारी में 1 स्थान और कड़िया डांगा और फरेदा फार्म माने तीनों जगह पर 1 स्थान पर जो है कार्यक्रम इसका कराया गया था। सरिया पत्थरसा दीपनगर सभी जगह पे 1-1 स्थान पे जो होलिका दहन हुआ था, बनबीरपुर में 2 स्थान पे, माधो टांडा और चिम्मन टांडा। तो खबरों का सिलसिला यूं ही चलता रहेगा, मिलते हैं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए आप बने रहिए इंडिया 24x7 लाइव टीवी के साथ। नमस्कार।